सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरबाज टर्न राइडर। और सब कैसे? आई रियली होप कि सब लोग बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना गाइस। तो आज का सीन क्या है ना गाइस, बाइक लेके हमें ऑलमोस्ट 11 डेज हो चुके हैं। तो आज बाइक की थोड़ी खराब हो चुकी है। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक की सर्विस करवा ले। तो आज हम जाएंगे बाइक की सर्विस करवाने के लिए। ये रहा अपना GoPro का सेटअप और निकलते इसको पहनते हैं। और ये आज भी देखो ये कितना बिजी हो चुका है। ओह, सो अभी चलते हैं गाइस, निकलते हैं यहाँ से और बाइक को करते हैं कॉल स्टार्ट और मिलते हैं आपको बाहर। सो ये रही अपनी बाइक धूप में खड़ी हुई। कल रात को मैं लेट आया था तो मैंने इसको ऐसे पार्क करवा दी। बाइक को करते कॉल स्टार्ट। अभी करते गेट ओपन। निकलते हैं यहाँ से गाइस। निकल चुके हैं गाइस हम लोग यहाँ से, निकलते बाहर। अंकल देखो कैसे देख रहे ऊपर से। सभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। मुझे 10:30 का टाइम दिया था उन्होंने। तो निकल चुके हैं गाइस हम लोग। सारे चीज हमने बैग में ले ली है। आज चलेंगे सर्विस करवाएंगे बाइक की, क्योंकि बाइक लेने के बाद से मेरे कम से कम, मैं 3 बार पूना को जाके आ चुका हूँ, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। और मुझे पता नहीं कि बाइक की कंडीशन क्या है, पहले से ऑयल कब चेंज करवाया था उन्होंने। क्योंकि जहाँ से मैंने बाइक खरीदी थी उन्होंने तो मुझे कहा था कि सर्विस करवा दी है हमने, बट मुझे उनके पे यकीन नहीं। पता नहीं आप लोग यकीन करते हो या नहीं, बट मुझे सच्ची में उनके ऊपर यकीन नहीं है। क्योंकि वो बस ऐसे बोलते हैं कि हमने सर्विसिंग करवाई है, बट सर्विसिंग करवाई नहीं होती। अभी चलते हैं, मेरे ख्याल से हमें हाईवे लेना ही बेटर होगा। तो अभी हम लोग निकलेंगे हाईवे से। पब्लिक का रिएक्शन गाइस बहुत ख़तरनाक आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ये क्या है, मतलब क्या लगा है ये आगे मोबाइल वगैरह। अभी क्या कर सकते हैं। ओए मेरे भाई, देख रहे हो कितना सा बच्चा गाड़ी चला रहा है। ये देखो, इसको चेक करो। मुझे लगता नहीं कि उसके पास लाइसेंस भी होगा इतना बड़ा टेम्पो चलाने का। सो अभी यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ्ट। गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहीं पे कहीं बाजू बाजू में इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना यार। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो के लिए। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। तो आ चुके हैं हम हाईवे पे गाइज। तो जा कर आ रहे हैं ना हम गाइज, हम लोग जा रहे हैं बाइक की सर्विसिंग करवाने के लिए। लेकिन हम लोग शोरूम में नहीं जाएंगे एक्चुअली, एक मैकेनिक है सलीम भैया, जो कि मेरे पहचान के, अच्छे पहचान के। तो मुझे उनका काम अच्छा लगता है, उनके काम की क्वालिटी अच्छी है और बजट भी अच्छा रहता है काम का। सो अभी चलेंगे, हमें वहाँ पर चल के ही पता चलेगा कि कितना कॉस्ट आने वाली सर्विसिंग कॉस्ट, और आपको भी बताऊँगा मैं। और सलीम भैया की एक खासियत है कि वो सिर्फ यामा स्पेशलिस्ट है। उन्होंने आई थिंक, मुझे उन्होंने एक बार बताया था कि 10-12 साल उन्होंने यामा में काम किया है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप आपके बाइक का काम करवा रहे हो तो किसी अच्छे मैकेनिक के पास करवाओ, जो कि उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानता हो। और मेरे जानने वाले तो उनको तो पता ही होगा कि मैं भी एक, मतलब 50% मैकेनिक हूँ, मतलब छोटी मोटी चीज़ें घर पर ही कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात है एक मोटर व्लॉगर के लिए, क्योंकि पैसे बच जाते हैं यार, और पैसे की वैल्यू होनी चाहिए। भाई कमाना बहुत मुश्किल है बट खर्च करना बहुत आसान है। सो
ये देखो ये ट्रक वाले को देखो, चलो सामने देखो अंकल जी, ओए 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 ओए। सो अभी हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट, यहाँ पे पुलिस वाले होते तो है मगर शायद आज नहीं है। ओके अच्छी बात है, सब पहुंच चुके हैं गाइज हम लोग यहाँ पर। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा गाइज आपको कहाँ पे आना है, अगर आपके पास यामा है तो आपको यामा की सर्विस वगैरह यामा का काम करवाना है तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये गैराज कहाँ पर है। यहाँ से आपको अंदर एक गली मिलेगी तो यहाँ से आपको अंदर जाना होगा। ये रहे सलीम भाई हमारे सामने, सभी चलते हैं। आ चुके हैं गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर, और ये रहे हमारे मिस्त्री, सभी करते हैं सलीम भाई से बात। सो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये देख रहे हो आप ऊपर दुकान को नाम तो नहीं है, गैरेज को कोई नाम तो नहीं है मगर गैरेज का नाम है जेन्युइन ऑटोमोबाइल। और ये रहे अपनी बाइक, और सलीम भाई अभी इसके टेस्ट ड्राइव मारेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या काम है, तो अभी मिलते हैं आपको सीधा टेस्ट ड्राइव के बाद में। सो गाइज अभी सलीम भाई ने बाइक की ट्रायल मार के देखी तो उन्हें पता चला कि इसके फोर्क ऑयल सील भी लीक है, सो सर्विसिंग के साथ साथ इसके फोर्क ऑयल भी हम लोग चेंज करवाने वाले हैं। सो ये मिस्त्री यहाँ से पेट्रोल निकाल रहे हैं इसको साफ करने के, और इसकी हालत चेक करो आप लोग, ये देख रहे फोर्क ऑयल सील भी लीक हो चुका है। सो दोनों फोर्क ऑयल सील हम लोग चेक करने वाले हैं और ये सलीम भाई करने वाले, सो अभी देखते हैं आगे का सीन क्या है। यहाँ पर चेक करो गाइज आप लोग, सर्विसिंग स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि इस वाले सीट और इस वाले टैंक के नीचे इसका एयर फिल्टर है, और ये चेक करो आप लोग इसमें प्ले कितना ज़्यादा हो चुका है। सो अभी हमें एक्सीलेटर केबल भी चेंज करवानी है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी तभी जाके एक्सीलेटर केबल चेंज होगी और एयर फिल्टर भी साफ होगा। तो ये टैंक गाइज निकल चुका है, और चेक करो आप लोग यहाँ पर इसका एयर फिल्टर है, और एक्सीलेटर केबल यही से कहीं से तो अंदर से होगी। सो अभी देखते हैं क्या सीन है आगे का। गाइज यहाँ पे आप लोग चेक करो हमारी सर्विसिंग डन हो चुकी है, और सलीम भाई यहाँ पे हमारा फोर्क जोड़ रहे हैं, और सर्विसिंग में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस इसका एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज करना पड़ा, और इसकी चेन वगैरह टाइट हो चुकी है वो ये वाले भैया ने कर दी। सो अभी जोड़ते हैं फोर्क और दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली अभी सारी चीज़ें डन हो चुकी है, और अभी सारी चीज़ें डन होने के बाद सलीम भाई एक चेकअप करेंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा राउंड मार के आएंगे कि बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं है, काम कुछ बचा हुआ तो नहीं है। सो अभी देखते हैं सलीम भाई ट्रायल मार के आने के बाद बात करते हैं आपसे। हैंडल में कब ले चेक करो सलीम भाई। अच्छा तो मैं गाइस आपको एक बात बता दूं कि ये गैरेज कहाँ पे है, तो विसावानाका बोल के सत्र में एक जगह है, तो विसावानाका के पास एक रिलायंस डिजिटल मॉल है जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उस डिजिटल मॉल के एग्जैक्टली सामने एक छोटी सी गली अंदर जाती है, वहाँ पे ये शॉप है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी आपकी बाइक का काम करना चाहता है, एक्चुअली में सलीम भाई जो है वो यामा के स्पेशलिस्ट है, तो आप लोगों के पास कोई भी बाइक या स्कूटी होंगी यामा की तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, बाइक का काम यहाँ पे आपके बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बाकी मैं सलीम भाई का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो फाइनली गाइज सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस अभी काम में गाड़ी में एक ही काम बाकी है, इसको मुझे वॉश करना है क्योंकि बाइक की हालत बहुत ही ख़राब है, और इसको मुझे वॉश तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जितना गाड़ी आप लोग साफ़ रखोगे उतना गाड़ी आपकी मेंटेनेंस नहीं निकालेगी। सो अभी हो चुका है सारा काम अपना बाइक का, सो बहुत जल्दी हम इस पर मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो में अगर आप लोग नए हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और जल्दी से गाइज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो यार, ताकि मैं जल्दी से जल्दी बाइक का मॉडिफिकेशन स्टार्ट करवा दूँ। सो अभी निकलते हैं गाइज फटाफट घर पे, मुझे सिटी के अंदर भी जाना था, कुछ दो चार काम थे मेरे, सो वो काम करके फिर मैं घर पे निकलूँगा। तो करते हैं गाइज वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको अगले एक अच्छे से वीडियो में। तब तक ले कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइज, बाय बाय और टेक केयर।